सेहत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, और ये साबित करने का काम और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम फिटनेस एक्सपर्ट अनु दुआ ने किया, जो ये उम्मीद छोड़ चुकी थी कि शायद इस उम्र में भी सेहतमंद बना जा सकता है, चाहे 10 साल की बच्ची हो या 40 साल की महिला या 18 साल की युवती या 60 साल की बुजुर्ग, किसी भी उम्र में आप अपनी सेहत को लेकर शुरुआत कर सकते हैं। इसे लेकर फरीदाबाद में एक मुहिम शुरू की और आज उस मुहिम का असर है। आप मेरे सामने देखेंगे कि ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने फिटनेस को लेकर एक लैंडमार्क स्थापित किया है और ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सेहत उम्र की मोहताज नहीं होती, और इसका क्रेडिट जाता है साईं एरोबिक्स से अनु दुआ जी को। और फरीदाबाद में मैं अगर कहूं कि ये माँ बेटी की जोड़ी जो है कमाल कर रही है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने फिटनेस को लेकर जो चैलेंज इनको दिया गया था उसको पूरा किया, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस फिटनेस की जर्नी की सूत्रधार रही है अनु दुआ, हम उनसे बात करेंगे। मैम आप इधर आ जाएंगे। मैम मैंने देखा कि यहाँ पर एज बार नहीं है किसी चीज को लेके। सबसे पहले ये जो क्राउन इनके माथे पर सजे हुए हैं, इसका क्या कारण है? नमस्कार जी, मैं हूँ अनु दुआ और हम एक सेंटर चलाते हैं साई एरोबिक्स के नाम से, और जो सिर्फ केवल और केवल महिलाओं के लिए है। मेरे पास यहाँ 5 साल से लेके 65 साल तक की महिलाएं आती हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है उसमें जंप्स नहीं होते। हमारे सारे पैटर्न जो रहते हैं वो रहते हैं हॉर्मोनल बेस्ड, जैसे कि बालों का झड़ना, एक्ने का आना, पीसीओडी और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को लोग कहते हैं कि हम पतले नहीं हो सकते, पीसीओडी और थायराइड की वजह से हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बिना दवाइयों के इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। आज हमारे बीच में एक विनर रही है, वो यहाँ से अभी चली गई है। उन्होंने लाइव हमें बताया कि उनकी बेटी आज 23 साल की हो चुकी है और उनका बेबी नहीं हो रहा था। उन्होंने जब साई एरोबिक्स ज्वाइन किया तो उन्होंने विद इन 6 मंथ्स कंसीव किया और आज उनका बेटा 7 ईयर्स का है और उनकी खुद की एज 45+ है। और हमारे बीच में जितने भी यहाँ पे बच्चे मेरे मौजूद है जिन्होंने क्राउन्स पहने हुए हैं, उन्होंने 5 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया, जैसे कि 5 दिन में 3 किलो, 1 दिन में 1 किलो। लेकिन बच्चों ने इससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन हमें रिजल्ट्स दिखाए। 1 दिन में 2 किलो, 2 दिन में 2 किलो, 5 दिन में 4 किलो वजन कम करके ये क्राउन उन्होंने जीता और हमारा मान को बढ़ाया। थैंक यू सो मच। अनु जी, जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं उनको वेट के लिए जो है मोटिवेट करना इजी होता है, लेकिन जब एक एज आ जाती है, हम 40+ की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट एक फीमेल को करना बड़ा मुश्किल होता है, और साथ साथ आजकल के जो खान पान है इस उम्र में घुटने साथ छोड़ जाते हैं। हम यंगस्टर्स को भी देखते हैं, चल नहीं पाते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में आप जिस तरह की एक्सरसाइज आप कराते हो तो कैसे मोटिवेट करते हो, और कितना चैलेंजिंग होता है कि 40+ में जाकर जो महिलाएं हैं उनको आप इतना अच्छा वेट चैलेंज देते हैं और वो पूरा भी करते हैं? मैम अगर मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, मैं खुद भी 40+ हूँ और मैं 43 ईयर्स की होने वाली हूँ। घुटने तभी खराब होते हैं जब हमारी बॉडी डेफिशिएंट होती है, चाहे हम एक्सरसाइज करें या कोई बच्चा एक्सरसाइज करे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले 40 ईयर्स की लेडीज की हम टेस्ट कराते हैं, दैट इज विटामिन डी एंड B12। जब उनके हमें पता चलता है कि उनकी डेफिशिएंसीज आ गई हैं तो हम उन्हें सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, और डेफिशिएंसीज कंप्लीट होने के बाद उनके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जहां जहां उनको लगता है कमर का दर्द, तली का दर्द, उनसे भी उनको राहत मिलती है और एक्सरसाइज वो बहुत इजिली कर पाते हैं। और कहते हैं ना कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव है, ऐसे ही हमारा सेंटर का नाम साई है। जो भी हमारे यहाँ पे चढ़ता है वो अपनी इच्छा पूरी करके जाता है, उनको लगता है हाँ मैं कुछ करने आया हूँ और मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। अनु जी, हमने सुना है कि एक टाइम पर फिटनेस आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज थी, आप उस क्रिटिकल दौर से गुजर चुकी हैं, कैसे सोचा और कैसे जो है आप भी ओबीस की श्रेणी में कभी आती थी और आज कोई कह नहीं सकता कि दिशा आपकी डॉटर है? जब मेरी नई नई शादी हुई थी, आई वॉज जस्ट 21,
तो आई मेट विद एन हेड इंजरी, जो मेरा वेट जस्ट 47 केजीज था जब मेरी मैरिज हुई, उसके बाद मेरा वेट हो गया 138 केजीज। तो 1 ईयर तो मैं बेड पे ही रही, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रही मेरी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी पहचान नहीं है, अनुदुआ जैसी थी वैसे बन की दिखा। मेरी जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे उठना होता था तो 4 लोग मुझे मिलकर उठाते थे। मैं 1 साल तक वॉशरूम तक भी अकेली नहीं जा पाई, रेलिंग को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चलकर मैंने थोड़ा सा अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मुझे 2 साल लगे धीरे धीरे वहां तक पहुंचने में, और मैंने फिर से अपना वजन 52 केजीज किया और फिर एक प्यारी सी बिटिया मुझे मिल गई। और देखिए, कहते हैं कि जब परिवार साथ है तो किसी भी मंजिल को पार कर लिया जा सकता है, और तिशा हमारे साथ मौजूद है, और जिस माँ बेटी की जोड़ी की बात कर रही थी उसकी एक सूत्रधार तिशा भी है। तिशा, सबसे पहले तो जब मदर इतनी प्रिटी हो तो जेलस होती है, तो दोस्तों के आगे क्या टेंशन ज्यादा मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे इतना अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी आज की जनरेशन जैसी मम्मी बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे को हमेशा समझती है और हमारे सारे कपड़े सारे शेयर होते हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत कैट फाइट होती है इसमें मेरे को और ज्यादा मजा आता है। शॉपिंग करती तो दोनों के लिए एक साथ करती हूँ। इससे पहले जो हमने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे वो हमारे बिल्कुल सेम थे, हमारा मेकअप बिल्कुल सेम था, एंड आई एम एंजॉयिंग। तिशा, क्योंकि आप इस एज में हैं, आप समझ सकते हैं कि आजकल के बच्चे पीटीएम में भी अगर मदर जाती है तो वो चाहते हैं कि उनकी मदर उनकी टीचर से ज्यादा प्रिटी लगे, वो भी एक चैलेंज होता है। हस्बैंड्स के आगे उनकी जो है ऑफिस पार्टीज में जाती है तो हस्बैंड चाहते हैं कि वो फिट नजर आए। कैटरीना कैफ से तुलना करते हैं कई बार तो, कि भाई उनके जैसी वाइफ नजर आनी चाहिए, तो कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फैमिली की एक्सपेक्टेशन फिटनेस को लेकर फीमेल से बढ़ जाती है और उनका शरीर साथ नहीं देता है, तो कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि वो जो टारगेट है वो अचीव कर पाए? देखो, मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मैं 6 साल तक सिंगल चाइल्ड रही हूँ। बचपन का ज्यादा याद नहीं है, पर 4 से 6 साल की उम्र ऐसी होती है कि आपको सब कुछ याद रहता है। जब मैं 6 साल की थी तब तक मेरी मदर एरोबिक्स ट्रेनर नहीं बनी थी, पर वो फिटनेस की राह पे चल चुकी थी। उस टाइम भी मेरी मदर का वेट 80s में था, और 80s इतना ज्यादा होता है कि आप अपने आप को कैरी नहीं कर पाते हो। जब उस टाइम में मैंने अपनी मदर को देखा था तो वो अपने आप को वेल कैरी करती थी, और मुझे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं आता था कि मेरी मम्मा अच्छी नहीं लग रही है। पीटीएम में आती थी तो बल्कि टीचर ही बोलती थी कि आप अपने आप को इतना अच्छा कैरी कैसे कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आज 43 ईयर्स की मेरी मदर है, और शायद हम दोनों सिस्टर्स ही लगते हैं। बिल्कुल, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और चलिए उन विनर्स से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनने का काम किया है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीना देसवाल है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्राउन जो है आपने इतना अच्छे से कैरी किया हुआ है, लग रहा है कि आज इस उम्र में आकर भी आप विनर बने हैं? बिल्कुल बने हैं मैडम, मैं 52 ईयर्स की हूँ, बट आज भी मेरे अंदर एनर्जी 20 ईयर्स की जैसे गर्ल्स होती है उतनी है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। लास्ट ईयर में केदारनाथ गई थी, हमारा 60 लोगों का ग्रुप था, उसमें हम 3 ऐसे लोग थे जो अपने पैरों से हम केदारनाथ गई थी। 16 किलोमीटर की है, सबको पता होगा केदारनाथ जाना कितना टफ है। ये एनर्जी मेरे अंदर आई सिर्फ अनुदुआ की वजह से, साई एरोबिक्स के वजह से। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कामिनी गांधी है। कामिनी जी, अभी आजकल की अगर बात करें तो बहुत कम देखा जाता है कि खुद से आगे आके फीमेल्स जो है वो फिटनेस की तरफ जाएं। 2 कारण मेन होते हैं, एक तो या तो बीमारियां घेर लेती हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब सही टाइम है फैमिली की कंडीशन देखते हुए कि अब थोड़ा सा खुद को भी सुंदर दिखाने की जरूरत है। चाहे बच्चों की तरफ से अगर बात करें, हस्बैंड की तरफ से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज आपने उस फिटनेस चैलेंज को पार किया है, क्राउन आपके माथे पर सज रहा है, कि अपने लिए सोचने की जरूरत है आज फीमेल्स को। एग्जैक्टली, मुझे भी 3 इयर्स हो गए यहाँ पर ज्वाइन करते हुए, बट ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। पूरे दिल्ली NCR में लेकर ना यहाँ पर पूरा, मतलब कि साई एरोबिक्स बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और दीदी का जो रोल है चैलेंज का, और ये हम लोग हमेशा एक्सेप्ट किया है और बहुत अच्छे से रहा है सब कुछ यहाँ पर। और भी हाउस वाइफ है यहाँ पर जी, बोलिए बोलिए। बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं। कितना टिपिकल होता है जब घर में बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जब आप फिटनेस जर्नी पर होते हैं तो कंट्रोल जरूरी होता है।
बस तनु मैम को याद करो, कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है और मैं मैम के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, 3 दिन पहले मैं MRI करा के आई थी अपने हैंड की, और मेरे को बहुत सीवियर बैक पेन रहा करता था और इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मैं थर्ड डे आई, मैम ने मुझे डंबल दे दिया और लिटरली मैं घर से रो कर आई थी, मेरे हस्बैंड से गले मिलकर। उन्होंने कहा बस एक बार जाके देख लो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं मैम की शक्ल देखी, मैंने पूरा वर्कआउट किया था उस दिन, और उस दिन से मैं अनू मैम आई लव यू सो मच मेरी जिंदगी संवार दी। और मैं बहुत दूर से आ गई हूँ, मैं सबसे दूर से पलवल से आती हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं लेती क्योंकि मुझे अनु मैम की शक्ल। अच्छा, पलवल से डेली आती है? डेली अप डाउन करते मेरे हस्बैंड मेरे साथ। और जिस दिन से मैंने अनु मैम को ज्वाइन किया, उस दिन से मैंने मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाई है। और थैंक यू मैम सो मच, मैं इतनी बेड पर रहती थी, मेरे हस्बैंड हर थर्ड खाना बनाते थे, अब उन्होंने 1.5 महीने से किचन की शक्ल नहीं देखी, उसने नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुपर्णा है और मैं 9 ईयर से आ रही हूँ एस आई एरोबिक्स। और आप ये पूछ रहे थे ना कि 40 ईयर्स के बाद कैसे हिम्मत आती है, चीज 43 मतलब वो मेरे सामने आके वर्कआउट करती है ना, तो मुझे लगता है जब वो कर सकती है तो हम कैसे नहीं करेंगे। मतलब वो जब कहती है तो फ्यूचर हो, तो मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है उनसे। हेलो जी, क्या नाम है आपका? शीतल गांधी जी। जब ज्वाइन किया था वेट कितना था आपका? ओह माय गॉड, 75, क्योंकि उस टाइम मेरे बराबर का बर्थ हुआ था एंड नाउ आई एम 60। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जब भी हम ऐसी सिचुएशन होते हैं आफ्टर मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिटनेस कहीं गुम हो जाती है उसमें, और फीमेल्स तो फिर बच्चे और हस्बैंड के आसपास ज्यादा घूमती हैं। और साई एरोबिक्स में जाना मेरे लिए सबसे अच्छा मेरा डिसीजन था, क्योंकि इसने सिर्फ मुझे फिजिकली फिट नहीं किया, मुझे मेंटली पीस दिया, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हमारे पास किसी के पास मेंटल पीस की बहुत कमी है। तो मैं हमेशा यहाँ इसीलिए आती हूँ कि मुझे, मैं खुश रहूंगी तो अपने घर को खुश रखूंगी। अच्छा, आजकल की फीमेल्स की अगर बात करें, वो सोचती हैं कि भाई जितना पतला हो सके, आपको क्या लगता है, पतला होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए या फिट होना चाहिए? मेरे हिसाब से फिट होना चाहिए, बट उसके लिए आपको मतलब आप पतले होगे तो ही आप फिटनेस की तरफ जाओगे, वरना डिजीजेज आते हैं। तो मुझे भी, जैसे मैं बहुत ट्रैवल है मेरा कॉलेज का, तो मुझे बताया जाता है कि यार तुम इतना ट्रैवल करके कैसे चली जाती हो, पर जब सामने ऐसे इतने रिफ्रेशिंग चेहरे होते हैं ना, जब मोटिवेशन अंदर से आती है, एक बार वो कॉलेज छोड़ सकते हो आप, वर्कआउट नहीं छोड़ सकते। और आई थिंक फ्रेंड से अपना फिटनेस सीक्रेट भी कोई शेयर नहीं करता है, ताकि वो भी कहीं आपकी तरह फिट और ब्यूटीफुल लगे। मैं तो सबको जाके बताती हूँ साई एरोबिक्स में ज्वाइन किया, उनको ऑनलाइन भी है, तुम्हें ज्वाइन करना है मेरे से नंबर लेके ज्वाइन करो। तो देखिए, वो ये तमाम वो चेहरे हैं और कहते हैं कि यदि कोई काम करना है तो मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। महिलाएं जो घर पर बैठी हैं, पंजाब केसरी की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी शुरुआत की जा सकती है, किसी भी उम्र में शुरुआत की जा सकती है, बस जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। आप भी अपने को महत्व देकर थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए जरूर लगाएं, क्योंकि एक महिला यदि खुद सेहतमंद रहेगी तो वह अपने परिवार को पूरे को और खुशहाल और सेहतमंद रख सकती है। और अनु दुआ और टिशा दुआ इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि यदि मोटिवेशन हो तो ऐसे तमाम महिलाएं जो हैं वो फिटनेस की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम भी स्वयं भी हासिल कर सकती हैं, खुद सेहतमंद होने के साथ साथ। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।